गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। चलिए सभी बच्चे अपने जीके की बुक्स ओपन करिए। आज हम सभी बच्चों को जीके पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है जीके जीनियर। सभी बच्चे ओपन कर लीजिए इसे। देखिए सबसे पहले हम अपने कंटेंट देखते हैं, हमने आपको कितने चैप्टर कवर करा दिए हैं। देखिए देखिए 1 to 14 आपके PA1 सिलेबस में हमने आपको कराया था। फिर आपको हमने हाफ ईयरली स्टार्ट कराया था जिसमें हमने आपको 15 to 28 चैप्टर कवर कराए थे। ठीक है, अब हम आपको कराएंगे स्टार्ट PA2 सिलेबस। तो PA2 की स्टार्टिंग हो रही है हमारे चैप्टर 29 से। ठीक है, चैप्टर 29 से आपके चैप्टर आएंगे PA2 में 41। ठीक है, ह्यूमन बॉडी तक। तो ठीक है, सब बच्चे यहाँ टिक करेंगे, 41 तक आपका रहेगा PA2 सिलेबस। तो PA2 सिलेबस के लिए सब बच्चे टिक करेंगे 29 चैप्टर से 29 to 41। PA2 ज़रूर लिखेंगे। Part 7 पर हमारा हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो गया था। Part 8 से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना PA2। तो ठीक है, PA2 स्टार्ट लिखेंगे और Part 8 शुरू करेंगे। Part 8 में हम आपको 5 चैप्टर कवर कराएंगे, 29, 30, 31, 32, 33। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना है Part 8। तो हमारा PA2 का स्टार्टिंग चैप्टर रहेगा 29। तो सबसे पहले वही ओपन करते हैं। यह हमारा 29 चैप्टर Part 8। हम मैं यहाँ लिख देती हूँ PA2 स्टार्ट। ठीक है, डेट शो करेंगे जिस दिन ये वीडियो YouTube पर अपलोड हो जाएगी। Part 8 भी लिखेंगे, 29 चैप्टर प्लांट्स एंड गार्डनिंग। देखिए, प्लांट्स आर कैरेक्टराइज्ड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर शेप्स, साइजेस, पीरियड्स लाइफ, देयर ग्रोथ पैटर्न एक्सेट्रा। गार्डनिंग इज एन आर्ट विच नीड, गार्डनिंग क्या है, एक कला है विच नीड स्किल एंड एन एस्थेटिक सेंस ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, इसमें क्या होती है, ज़रूरत होती है एस्थेटिक सेंस की, क्रिएटिविटी की। गिवन ब्लो आर सम क्वेश्चंस अबाउट प्लांट्स एंड गार्डनिंग। आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करे गए हैं पेड़ के बारे में और गार्डनिंग के बारे में, आंसर दें, उनके आंसर देने हैं हमें। तो फर्स्ट है आपका चार्ल्स डार्विन डिस्क्राइब दिस कार्निवोरस प्लांट द मोस्ट वंडरफुल प्लांट इन द वर्ल्ड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लांट। तो हम इस प्लांट को बोलते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप, VENUS, वीनस फ्लाई ट्रैप, FLYTRAP। ठीक है, अब आपका है सेकंड, व्हाट वुड अ गार्डनर डू विद अ डिबर और डिबल। ठीक है, डिबर और डिबल किस लिए यूज किया जाता है, वो ट्रांसपोर्ट सीडिंग एंड स्मॉल प्लांट के लिए। व्हाट इज द पॉपुलर नेम फॉर द फ्लावरिंग हाउस प्लांट इम्पेशियंस वैलेरिना। ठीक है, पॉपुलर नेम बताना है फ्लावर हाउस प्लांट का, वो है बिजी लिजी। फोर है द लव एप्पल इज द ओरिजिनल नेम फॉर व्हाट, वो है हमारा टोमेटो, TOMATO, टोमेटो। द डेथ कैप इज द मोस्ट पॉइजनस वैरायटी ऑफ व्हाट, वह है हमारा मशरूम, MUSHROOM, मशरूम। व्हाट इज द नेम गिवन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर, उसे हम बोलते हैं पिस्टल। फिर आपको 7 क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई इज रेनडियर मोस्ट सो कॉल्ड, वह है हमारा स्टेपल विंटर फूड फॉर रेनडियर्स। 8 क्वेश्चन है, एक कुमक्वाट इज अ स्मॉल जापानीज वैरायटी ऑफ व्हाट सॉर्ट ऑफ फ्रूट, ऑरेंज। 9 है, हैरी वेटक्राउ वाज रेनाउंड ब्रीडर ऑफ व्हाट, वो हमारा है रोजेस, ROSES, रोजेस, रोजेस। व्हाट इज द नेम ऑफ द 3 लीव फ्लावर एसोसिएटेड विद एस्टी पैट्रिक डे, शैमरॉक, SHAMROCK, शैमरॉक। फिर आपको 11 क्वेश्चन पूछा गया, विच पार्ट ऑफ अ ट्री कैन बी यूज टू मेक कॉर्क, कौन सा यूज किया जाता है मेक कॉर्क के लिए, कौन सा पार्ट, वो है हमारा बार्क। व्हाट इज द लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, वो है हमारा जियांट सेक्विया, GEANT, जियांट SEQUOIA, सिक्यूआ। ठीक है, फर्स्ट वीनस फ्लाई ट्रैप, ट्रांसपोर्ट सीडिंग एंड स्मॉल प्लांट, बिजी लिजी, टोमेटो, मशरूम, पिस्टल, स्टेपल विंटर फूड फॉर रेनडियर्स, ऑरेंज, रोजेस, शैमरॉक, बार, जियांट सिक्यूआ। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 30, फोटोसिंथेसिस क्विज, पार्ट है आपका 8। डेट शो करेंगे जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है,
ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर, आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर पर टिक करना है. फर्स्ट है, विच ऑफ दीज इज नॉट नीडेड टू मेक फूड इन अ प्लांट. ठीक है, इसमें फूड बनाने के लिए प्लांट को किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, सनलाइट की, कार्बन डाइऑक्साइड की, फ्लावर्स की. तो फ्लावर्स की ज़रूरत नहीं होती, सनलाइट की भी ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी होती है, तो फ्लावर्स की नहीं होती, तो उस पर हम राइट कर देंगे. द टिनी रोपोर्स और ओपनिंग इन लीव दैट टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड आर कॉल्ड स्ट्रोमोटा एक्सिलिम फॉलियम फ्लोइम. ठीक है, फ्लोइम है हमारा, जिलम है और स्ट्रोमोटा है. टिनी पोर्स जो होता है ओपनिंग, जब ओपनिंग ओपन करता है अपने उसको लीव्स को, डेक टिक इन द कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रोमेटा. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट इज कॉल्ड, जब प्रोसेस होता है खाना बनाने के उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, फर्टिलाइजेशन, तो उसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. बी ऑप्शन पे ही राइट करेंगे. फिर हमारा है द ट्यूब्स दैट ब्रिंग वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स आर कॉल्ड स्ट्रोमेटा, जाइलम, फॉलियम, फ्लोइम. ठीक है, तो फ्लोइम पर राइट करेंगे. जोलियम भी है हमारा और फ्लोइम भी है, दोनों ऑप्शन पर राइट करेंगे. द प्लांट्स गिव ऑफ व्हाट दैट एनिमल्स नीड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल. तो ऑक्सीजन पर राइट करेंगे. द एनिमल ब्रेथ आउट व्हाट दैट प्लांट नीड फॉर फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल. द एनिमल ब्रीथ आउट, जब एनिमल अपनी ब्रीथ यानी सांस छोड़ते हैं तो व्हाट दैट प्लांट नीड फॉर फोटोसिंथेसिस, तो उसे क्या मिलती है फोटोसिंथेसिस को, प्लांट्स को, हमारे पेड़ पौधों को मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड. द सनलाइट इज यूज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज ब्रेक डाउन द जाइलम, ब्रेक डाउन द वाटर, ब्रेक डाउन द स्टोमेटा, तो हमारा है ब्रेक डाउन द वाटर. फर्स्ट फ्लावर्स पर राइट करेंगे, फिर स्टोमेटा, फिर फोटोसिंथेसिस, फिर जाइलम और फ्लोइम, फिर हमारा ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ब्रेक डाउन ऑफ द वाटर. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, 31 एडवेंचर स्पॉट्स. पार्ट शो करेंगे 8, डेट शो करेंगे जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी. स्पॉट्स डैट कंप्राइजेस रिस्की, डेंजरस एंड अनसर्टेन एक्सपीरियंस और कॉल्ड एडवेंचर स्पॉट. ठीक है, क्या होता है ये, रिस्की भी होता है स्पॉट, डेंजरस भी होता है, और क्या होता है एक्सपीरियंस भी बहुत मिलता है, उसको हम बोलते हैं एडवेंचर स्पॉट. टेक द हेल्प ऑफ द क्लू बॉक्स टू राइट देयर नेम्स. क्लू बॉक्स की हेल्प से आपको इनके सबके नाम लिखने हैं. और फर्स्ट आपको दिया है, इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ एन इलास्टिक रोप टू जंप फ्रॉम द कंसिडरेबल हाइट. इलास्टिक रोप्स के जरिए क्या करते हैं वो, जंप करते हैं कंसिडरेबल हाइट से. ठीक है, बहुत ऊंचाई से क्या करते हैं, कूद, जंप करते हैं, और रोप होती है हमारी इलास्टिक की. ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे बंजी जंपिंग. ठीक है, ये कौन सी हमारा है, बंजी जंपिंग है, BUNJEE बंजी, JUMPING जंपिंग. फिर हमारा है, इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ लाइट बोट्स विद ब्लेड्स टू सर्व ओवर स्ट्रीम और रिवर्स. ये है हमारा कैनोइंग, CANOEING कैनोइंग. फिर थर्ड है, इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ अ जायंट बैलून टू फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस. लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जायंट बैलून यूज करते हैं, हॉट एयर बैलून, इसे हम बोलते हैं हॉट एयर बैलून्स. अब हमारा देखिए, इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ अ पैराशूट टू जंप फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट एट अ हाइट लेस देन 100,000, मतलब 10,000 meters की ऊंचाई से कूदते हैं कहाँ, पैराशूट से. तो ये भी हमारा क्या है, एक रिस्की है, स्काई डाइविंग, इसे बोलते हैं स्काई डाइविंग. इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ अ लार्ज ग्लाइडर इन द शेप ऑफ अ काइट टू फ्लाई इन एयर. हैंग ग्लाइडिंग, इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ ऑक्सीजन मास्क टू गो डीप इनसाइड द वाटर, इसे हम बोलते हैं स्कूबा डाइविंग. ठीक है, स्कूबा, SCUBA स्कूबा डाइविंग, ये है हमारा हैंग ग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग, हॉट एयर बैलून, कैनोइंग, बंजी जंपिंग. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. देखिए 32 चैप्टर पार्ट 8 शो करेंगे, डेट शो करेंगे जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी. फर्स्ट है आपका क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुज स्टेटेड एम्स फॉर फैसिलिटेटिंग कोऑपरेशन इन इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस, ह्यूमन राइट एंड
अचीवमेंट ऑफ वर्ल्ड पीस. गिवन ब्लो आर द लोगोज ऑफ सम ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस. आपको कुछ ऑर्गन के यूनाइटेड नेशंस के लोगोज दिए हुए हैं यहाँ पर. आपको टिक द हेल ऑफ द क्लूज ऑफ एंड राइट देयर नेम. आपको क्या करना है, उनके नाम लिखने हैं. फर्स्ट आपको लोगो दिया है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का, ठीक है. फर्स्ट पोस्टल लोगो है आपका यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन. फिर आपको दिया है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है. सेकेंड आपको चैप्टर दिया है इंटरनेशनल, सेकेंड लोगो आपको दिया है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का, ठीक है. थर्ड लोगो है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. अब आपका फोर्थ लोगो दिया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. देखिए ILO लोगो पे भी बना हुआ है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. फिर आपको फाइव दिया है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. देखिए यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. अब आपको सिक्स लोगो दिया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. अब सेवन आपको यूनिसेफ आपको दिया हुआ है. देखिए इसकी फुल इसका लोगो है, इस लोगो का नाम है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, ठीक है. इन आपको क्या करना था, सिर्फ लोगो का इसमें नाम लिखना है आपको, ठीक है. तो सभी बच्चे देखकर लिखेंगे, अपने क्लू बॉक्स की हेल्प भी ले सकते हैं नीचे से. मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखा देती हूँ. देखिए यूनाइटेड यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, फिर आपको दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, ठीक है. यहाँ पर आपका पार्ट एट कंप्लीट हो जाता है. 33 पर आपको कुछ आगे नहीं दिया है करने के लिए. तो पार्ट एट में आपको सबसे पहले प्लांट एंड गार्डनिंग करना है, उसके बाद फोटोसिंथेसिस क्विज करने हैं, एडवेंचर स्पॉट यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. यहाँ पर आपका क्या होता है, पार्ट एट कंप्लीट होता है बुक पर. अब आपका देखिए एक वर्क बुक भी दी होगी जीके बुक के साथ, उस वर्क बुक पर काम कराएंगे. देखिए वर्क बुक आपकी देखते हैं, जीके बुक पर काम करने के बाद आप वर्क बुक पर काम करेंगे, वर्क बुक जीके जीनियस, ठीक है. तो सब बच्चे ओपन कर लीजिए इसे. देखिए सबसे पहले इसके कंटेंट्स देखते हैं. देखिए PA1 में हमने आपको कराई थी वर्कशीट 1 to 7, फिर आपको कराई थी वर्कशीट हमने वर्कशीट 8 to 15 हाफ ईयरली में. अब हमारा देखिए P2 स्टार्ट हो रहा है, हम उसमें कराएंगे आपको वर्कशीट 16 to 23, ठीक है, जिसमें हम आपको वर्कशीट 16, 17, 18 कराएंगे पार्ट 8 में. तो सबसे पहले आप टिक करेंगे वर्कशीट 16, 17, 18 पार्ट 8, ठीक है. तो वर्कशीट 16 ओपन करते हैं सबसे पहले. ये आपकी वर्कशीट 16 है, PA2 स्टार्ट पार्ट 8 वर्कशीट 16. नेम लिखेंगे, क्लास शो करेंगे और डेट शो करेंगे जिस दिन ये वीडियो YouTube पर अपलोड हो जाएगी. लुक एट दिस पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स. आपको पिक्चर्स देखनी है और उनके नाम्स लिखने हैं. देखिए फर्स्ट पिक्चर आपको दी है वाटरफॉल की, तो वाटरफॉल लिखेंगे WATER वाटर FALL फॉल. फिर आपको दी है सैंड, सैंड्यून की SAND DUNE सैंड्यून. फिर आपको दी है मशरूम रॉक की MUSH मश ROM मशरूम ROCK रॉक मशरूम रॉक. आप सबको क्या करना है, सिर्फ पिक्चर्स के नेम लिखने हैं. फिर आपको दी है सी आर्च की SEA CARCH आर्च. फाइव आपको फिफ्थ पिक्चर दी है ZEEBRG की ZEEBRG ZEEBRG. फिर आपको हैंगिंग वैली की पिक्चर दी है HANGING हैंगिंग VALLEY वैली हैंगिंग वैली, ठीक है. यहाँ पर आप टिक भी कर सकते हैं 6, 5, 1, 2, 4, 3, ठीक है. वाटरफॉल सैंड ड्यून मशरूम रॉक CR ZEEBRG हैंगिंग वैली, ठीक है. सभी बच्चे ध्यान से लिखेंगे. अब आपका नेक्स्ट वर्कशीट आती है 17, पार्ट शो करेंगे, पार्ट है आपका 8, डेट शो करेंगे जिस दिन ये वीडियो, नेम लिखेंगे सबसे पहले अपना,
क्लास शो करेंगे, डेट शो करेंगे, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। नेम दिस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, आपको करना है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखना है। फर्स्ट है आपका डैश मेजर्स स्पीड ऑफ वाइंड, ठीक है। ये स्पीड ऑफ वाइंड को मेजर्स करता है, ये मेजर्स करता है। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का नेम है एनीमोमीटर, ANEMOMETERS, एनीमोमीटर्स। अब आपका सेकेंड इंस्ट्रूमेंट है मेजर्स प्योरिटी ऑफ मिल्क, प्योरिटी ऑफ मिल्क को मेजर्स करता है, वह हमारा लैक्टोमीटर, LACTOMETER, लैक्टोमीटर। पर आपको थर्ड है स्पीड, स्पीड स्पीडोमीटर मेजर स्पीड ऑफ अ कार। स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है? कार की स्पीड। मेजर्स एयर प्रेशर को हम बोलते हैं बैरोमीटर। थर्मामीटर मेजर्स क्या करता है? टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर करता है। ये आपको फिर आपको दिया हुआ है फाइगमोमैनोमीटर, ये क्या करता है? ब्लड प्रेशर को क्या करता है? नापता है। हमारे हाइग्रोमीटर, ये हमारे ह्यूमिडिटी इन एयर जो होती है उसको मेजर्स करता है। वेल्टोमीटर मेजर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ को मेजर्स करता है। डेंसिटी ऑफ वाटर की मेजर्स कर, डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर में जो डेंसिटी होती है उसकी मेजर्स करता है हाइड्रोमीटर। सिस्मोमीटर मेजर्स करता है मोशन ऑफ ग्राउंड, ठीक है। ये क्या है? हमारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। एनीमोमीटर देखिए, आपको फर्स्ट दिया है एनीमोमीटर, सेकेंड आपको दिया है लैक्टोमीटर, ठीक है। थर्ड आपको दिया है स्पीडोमीटर, फोर्थ आपको दिया है बैरोमीटर। टिक करेंगे सभी बच्चे। फाइव दिया है आपको थर्मामीटर, और सिक्स दिया है फाइगमोमैनोमीटर, और सेवन दिया है हाइग्रोमीटर, और एट दिया है वोल्टेमीटर, और नाइन दिया है हमारा हाइड्रोमीटर, और टेन है सिस्मोमीटर, ठीक है। सभी बच्चों को नीचे टिक कर लेना है 1, 3, 7, 4, 5, 2, 6, 8, 10 और 9, ठीक है। अब वर्कशीट आगे देखते हैं, एक वर्कशीट और करानी है हमें आपको, वर्कशीट 18 पार्ट है हमारा 8। नेम लिखना है, क्लास लिखनी है, फिफ्थ और डेट शो करनी है, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। मैच द ग्रीटिंग्स विद देयर कंट्रीज, हमें क्या करना है? ग्रीटिंग्स को उनकी कंट्रीज के साथ मैच करना है, ठीक है। ग्रीटिंग्स यानी विश करते हैं हम, जैसे हम करते हैं, मुस्लिम्स करते हैं अस्सलाम वालेकुम, नॉन मुस्लिम यानी मतलब हिंदू करते हैं नमस्ते। तो इसी तरीके से हमारा ग्रीटिंग्स अदर कंट्रीज में भी अलग तरीके से करा जाता है। देखिए बॉन्जोर क्या है? एक ग्रीटिंग है, ठीक है। तो इसको कहाँ यूज़ करते हैं? फ्रांस में, ठीक है। तो हमें इसकी कंट्री के साथ इसे मैच करना है। बॉन्जोर विश ग्रीटिंग करा जाता है फ्रांस में, तो डी ऑप्शन पर फ्रांस दिया हुआ है। इसे हमें यहाँ पर मैच कर देंगे। फिर आपको सेकंड है एलोहा, अलोहा पढ़ सकते हैं, अलोहा एलोहा, ये हमारा ग्रीटिंग है हवाई यानी यूएसए का, तो हम इसे मैच कर देंगे। हेलो ये हम बोलते हैं स्पेन में, होला ये हम बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन में, आयुबोवन ये हम बोलते हैं श्रीलंका में, सलाम वालेकुम देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है अफगानिस्तान में से हम यूज़ करते हैं, ग्यूटन टैग ठीक है, सेवन हम यूज़ करते हैं जर्मनी में, नमस्ते इंडिया, नाइन सियाओ ये हम यूज़ करते हैं, नाइन ऑप्शन आपको दिया हुआ है इटली में, और नाइन टेन है हमारा ओहायो यूज़ करते हैं हम जापान में, और निहाओ हम यूज़ करते हैं चाइना में, और हैज हम यूज़ करते हैं 12 स्वीडन में, ठीक है। तो नंबरिंग भी मैं आपको बता देती हूँ, ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन, श्री 4, 3, 5, 1, 8, 2, 11, 7, 10, 6, 12, 9, इसी तरीके से आपको मैच करना है। ये क्या है? ग्रीटिंग उनकी कंट्री के साथ मैच करने हैं, ठीक है। वर्कशीट 18 के साथ आपका पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। मैंने आपको पार्ट 8 में बताई थी
16 और 17, 18 वर्कशीट मैं आपको कराऊंगी पार्ट एट में, मैंने करा दी है तो सब बच्चे ध्यान से करेंगे। सबसे पहले अपने जीके बुक पर काम करेंगे, ठीक है, उसके बाद अपनी वर्क बुक पर काम करेंगे, ठीक है। वीडियो को अच्छी तरीके से ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।